अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एस सेवन न्यूज़ में आपका सभी का इस्तकबाल है। मैं सैयद शहबाज, आइए देखते हैं आज की ये खबर। रिसेंटली कंटेनमेंट्स को कम करें, ये पॉजिटिव केसेस ट्रीटमेंट होने के बाद और नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद वापस आ गए। जो जो एरिया में वो नेगेटिव रिपोर्ट आके वापस आया तो वो पब्लिक को इनकन्वीनियंट नहीं होना बोल के कंटेनमेंट्स को जीएचएमसी वाला रिमूव कर दिए। पुलिस वाला भी इसमें पार्टिसिपेट हुए और चेक पोस्ट भी थोड़ा पब्लिक अभी फिर रहे, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे और पब्लिक मूवमेंट भी थोड़ा इम्प्रूव हो गया। इसके लिए चेक पोस्ट भी हम थोड़ा कम कर दिए मीर चौक डिवीजन में, मगर गवर्नमेंट लॉकडाउन गाइडेंस कैसा करे रूल्स रेगुलेशंस के बारे में वो पक्का हम पुलिस इंप्लीमेंट करते और पब्लिक भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये मास्क कंपलसरी डालना बोल के रिक्वेस्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट गाइडलाइंस कैसा है वैसी पब्लिक फॉलो करना है। और कल हमारा डबीरपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में ये बैरिकेड डबीरपुरा फ्लाईओवर बैरिकेड के बारे में एमएलए मलकपेटा एमएलए बलाला साहब रिमूव करे सो बैरिकेड भी थोड़ा वायरल हो गया। उसके बारे में भी कम्युनिकेशन गैप आए, उसमें ऑलरेडी हमारा को सुपीरियर ऑफिसर से इंस्ट्रक्शंस आए ऑल फ्लाईओवर बैरिकेड्स रिमूव करना बोल के, थोड़ा कम्युनिकेशन गैप आए। हम भी नीचे ग्राउंड लेवल तक इंस्ट्रक्शंस पास करे जब तक थोड़ा डिले हो गया। एमएलए हमारा को रिक्वेस्ट करे बलाला साहब भी वो रिमूव करने के टाइम पे वही टाइम पे बलाला साहब भी उधर ही था, उसमें दूसरे इंटेंशन नहीं है। बलाला साहब वो रिमूव करे सो बैरिकेड रिमूव करे सो इश्यू कुछ भी नहीं है, वो पुलिस को भी नॉलेज में है, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन गैप आ गए और इसमें कुछ भी कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंड भी नहीं होना बोल के हम बोल रहे हैं। थैंक यू।